वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जाप साहब जी दी विचार शुरू करन जा रहे हैं जी। आप जी चितला के सरवण करो जी। भगवती छंद तव प्रसाद कथते, तेरी कृपा नाल ये छंद कथन कर रहा हाँ। के अछज देसा है, के अछ भिज भेसा है, के आ गंज करमा है, के आ भंज भरमा है। इस दे विच अछज दा जो अखरी अर्थ है वह है जो भनिया तोड़िया ना जा सके, अखंड। अ भिज दा अखरी अर्थ है जो नाश ना कीता जा सके। अ गंज दा अखरी अर्थ है अजित, ते अ भंज दा अखर है जो तोड़िया ना जा सके। हे वाहिगुरु, तेरा देश अखंड है, वो टोटे टोटे जां नाश नहीं कीता जा सकता। तेरा वेस कदे नाश नहीं हो सकता, तू कर्मा करके जितया नहीं जा सकता। कोई अजिहे काम या धार्मिक रस्मां नहीं जिन्हां करके तैनू वास कीता जा सके। कोई भरम वहम तैनू हिला डुला नहीं सकते। के आ भिज लोकै, के आदित सोकै, के अवधूत बनना, के बेभूत करना है। आदित दा अखरी अर्थ है सूरज, सोके दा अखरी अर्थ है सुकाउण वाला बर्न, ऐसी हस्ती जिस उत्ते दुनिया दे मोह दा असर ना होवे, ते बेभूत दा अखरी अर्थ है तेज प्रताप वाला। हे वाहिगुरु, तेरा देश अखंड ते अविनाशी है, तू सूरज दे तेज नू भी सुकाउण वाला है। तेरी हस्ती ऐसी है जिस उत्ते माया दा मोह असर नहीं करता, तू धन दौलत ते तेज प्रताप दा सोमा है। के राजन प्रवाह है, के धर्मक दूजा है, के आसोक बरन है, के सरबा अपरन है। प्रवाह दा अर्थ अखरी अर्थ है शोभा, तुजा दा अखरी अर्थ है शोभा देण वाला। अशोक दा अखरी अर्थ है जी चिंता रहत, बर्न हस्ती, ते अबर्न दा अखरी अर्थ है सजावट। हे वाहिगुरु, तू राजयां दा तेज है, राजे राजयां विच भी तेरा ही तेज दिस रहा है। तू धर्म नू शोभा देण वाला है, तेरी हस्ती चिंता तो रहत है, तू सब जीवां दा श्रृंगार है। के जगतन कृति है, के छत्रंग छत्री है, के ब्रह्मंग स्वरूप है, के अनुभव अनूप है। कृति दा अखरी अर्थ है जी पैदा करन वाला, छत्र है छत्री दा अखरी अर्थ है सूरमिया दा सूरमा। ब्रह्म सब तो वधिया होया, अनूप दा अखरी अर्थ है बेमिसाल। हे करतार, तू जगत दा सृजनहार है, तू सोमे सूरमिया दा सूरमा है, तेरी हस्ती सब तो वड्डी है। तू अजिहे ज्ञान दा मालक है जो अपने आप तो हुंदा है, ते जो बेमिसाल है। के आद अदेव हैं, के आप अपेव हैं, के चित्रंग बहीना है, के एक है अधीना है। आद दा अखरी अर्थ है सब दा मुढ, अदेव जिस तो उपर होर कोई पूजन योग हस्ती नहीं। अपेव जिस दा भेद ना पाया जा सके, बहीन बिना, ते एके दा एके अधीन दा अखरी अर्थ है जी एक अपने आप दे तहत हेठ। हे वाहिगुरु, तू शुरू तो ही है, तू सब दा मुढ है, तेथों उपर कोई पूजन योग हस्ती नहीं। तू अपने आप तो ही है, इसलिए तेरा कोई भेद नहीं पा सकदा, तेरी कोई तस्वीर नहीं बना सकदा। तू एक अपने आप दे ही वस विच है। के रोजी रजाक है, वही मेरे हक है, के पाक बेऐब है, के गैबुल गैब है। रजाक दा अखरी अर्थ है रिजक देने वाला, रहीम रहम करने वाला, रिहाक रिहाई देने वाला। पाक दा अखरी अर्थ है पवित्र, बेऐब दा अखरी अर्थ है ऐबा तो रहत, ते गैबुल गैब दा अखरी अर्थ है पूर्ण तौर ते गुप्त। हे वाहिगुरु, तू सबना नू रोजी रिजक देण वाला है, तू सबना नू रिहाई देण वाला है, मुक्ति देण वाला है, तू पवित्र अते कलंक रहत है, तू पूर्ण तौर ते गुप्त है। के अफुल गुना है, के शाह निशा है, के कारण कुनिंद है, के रोजी देहांद है। अफुल गुना दा अखरी अर्थ है पाप बख्शन वाला, कुनिंद दा अखरी अर्थ है करन वाला, देहांत दा अखरी अर्थ है देण वाला। हे वाहिगुरु, तू जीवा दे पाप बख्शन वाला है, तू पाशाह दा पाशाह है, तू सब कारणा दा करता है, तू सब नू रोजी देण वाला है। के राजक रहीम है, के कर्मंग करीम है, के सर्वंग कली है, के सर्वंग दली है। कर्म बख्शिश करीम बख्शिश करन वाला, कली दा अखरी अर्थ है शक्तियां दा मालक, दली दलन वाला। हे वाहिगुरु, तू सब नू रिजक देन वाला है, तू बख्शिशा करन वाला है, बख्शिंद है, तू सब शक्तियां ताकतों दा मालक है, तू सब दा नाश करन वाला है।
केसर बत्तर मानिया, केसर बत्तर दानिया, केसर बत्तर गौना, केसर बत्तर भौना है। सरबत्र का अखरी अर्थ है सभनी थां मान्य मान योग। दानिया दान देन वाला ते भौन का अखरी अर्थ है भवन। हे वाहिगुरु, हर थां तेरी ही पूजा हो रही है, हर थां सब जीवन नु दान देन वाला तू ही है। तेरी हर थां पहुँच है, तू हर थां सब भवना विच मौजूद है। केसर बत्र देसा, केसर बत्र पेसा, केसर बत्र राजा, केसर बत्र साजा है। राजा का अखरी अर्थ है प्रकाश कर रहा है, ते साज का अखरी अर्थ है रचना। हे वाहिगुरु, तू हर एक देश विच हर थां तू ही मौजूद है, हर थां सारे पेसा विच तू ही तू है। तू सब थाई अपना तेज विखा रहा है, सब थावां नूं शोभा दे रहा है, हर थां तेरी ही रची हुई रचना है। केसर बत्र दीना, केसर बत्र लीना, केसर बत्र चाहो, केसर बत्र पाहो। दीने दा क्रियर था दान देन वाला, लीने मौजूद जाह तेज ते पाह दा क्रियर था रोशनी। हे वाहिगुरु, तू ही सब थाई सब जीवन नु दान देन वाला है, तू ही सब थाई व्यापक है, मौजूद है। सब थाई तेरा ही तेज प्रताप है, ते सब थाई तेरा ही नूर ते प्रकाश है। केसर बत्र देस है, केसर बत्र भेस है, केसर बत्र काला, केसर बत्र पाला। हे वाहिगुरु, तू हर एक देश विच हर थां मौजूद है, तू सब पेसा विच ही भी मौजूद है। सब पेस तेरे ही हैं, हर थां सब जीवां नूं मारन वाला भी तू है, ते हर थां सब दी रक्षा करन वाला भी तू ही तू है। केसर बत्र हंता, केसर बत्र गंता, केसर बत्र भेखी, केसर बत्र भेखी। हंता दा अखरी अर्थ है मारन वाला, गंता पहुंच रखन वाला, भेखी भेख वाला, ते भेखी संभाल करन वाला। हे वाहिगुरु, तू ही हर थां सब जीवां नूं मारन वाला है, हर थां तेरी पहुंच है। तू हर थां हर एक भेख पहरावे विच है, तू हर एक थां ते जीवां दी संभाल करता है। केसर बत्र काजे, केसर बत्र राजा, केसर बत्र सोखा, केसर बत्र पोखा। काजे दा अखरी अर्थ है कम, पोखे दा अखरी अर्थ है पाल रहा है, सोखे दा अखरी अर्थ है नाश कर रहा है। हे वाहिगुरु, हर थां जो कम हो रहे हन वो तेरे ही किते हो रहे हन, हर थां तू ही अपना प्रकाश कर रहा है, भाव सोख रहा है। हर थां तू ही सब जीवां नूं मारन वाला है, हर थां तू ही सब नूं पालन वाला है। केसर बत्र त्राणा, केसर बत्र प्राणा, केसर बत्र देसा, केसर बत्र भेसा। त्राण दा अखरी अर्थ है जोर, ते प्राण दा अखरी अर्थ है जिंद। हे वाहिगुरु, हर थां तेरा ही बल वरत रहा है, हर थां जो जिंदगी है वो तेरी ही दित्ती हुई है, हर थां हर एक देश विच तू ही मौजूद है, हर थां हर एक पहरावे विच भी तू ही तू है। केसर बत्र मान्य, केसर बत्र मान्य सदैवं प्रधान्य, केसर बत्र जापिया, केसर बत्र थापिया। सदैवं दा अखरी अर्थ है सदा ही, प्रधान मुखी, जापिया जपिया जा रहा है, ते थापिया कायम है। हे करतार, सब थाई तेरी ही पूजा हो रही है, सब थाई सदा ही तू ही मुखी है, हर थां तेरा ही जाप हो रहा है, अते तू ही हर थां कायम है। केसर बत्र भानै, केसर बत्र मानै, केसर बत्र इंद्रै, केसर बत्र चंद्रै। भान दा अखरी अर्थ है सूरज, मानै आदर पाउण वाला, ते चंद्र चंद। इंद्र दा अखरी अर्थ है राजा। हे परमात्मा, हर थां तू ही सूरज वांग तेज खिलार रहा है, हर थां तेरी ही पूजा हो रही है, हर थां तू ही सब जीवां दा राजा है, अते हर थां तू ही चंद वांग कोमल चाननी कर रहा है। के सर्वं कली मैं, के परमं फही मैं, के आकल अलामै, के साहिब कलामै। कलीम दा अखरी अर्थ है कलाम करन वाला, फहीम फहम वाला, समझ वाला, अकाल अकल वाला, अलामै इलम वाला, ते साहिब कलाम बाणी दा मालक। हे परमात्मा, तू ही सब जीवां विच बैठ के सोहे बोल बोल रहा है, तू उच्ची समझ वाला है, तू अकल ते इलम दा धनी है, तू बोलियां दा मालक है, भाव बोलण विच भी माहिर है। के हुसन वजू है, तमामुल रजू है, हमेसुल सलाम है, सलीखत मुदाम है। हुसन सुंदरता, वजू नुहार। तमाम दा अखरी अर्थ है सारे, रुजू दा अखरी अर्थ है ध्यान, सलाम सलामत, सलीखत जगत दे पदार्थां दी तेरी सजावट।
ਤੇ ਮੁਦਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦੀ ਵੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤ ਹੈ, ਬੁਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਗਨੀਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹਾਰ। ਗਨੀਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਕਾਨ ਘਰ, ਜ਼ਮਾਨ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮ ਹੈ, ਰਜ਼ੂਅਲ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤਮੀਜ਼ ਪਛਾਣ, ਤਮਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ, ਤਾਰੀਫ ਵੈਰੀ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਨ ਦੁੱਖ ਦੁਖੀਆਂ ਭਾਵ ਆਕੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੈ, ਅਪੰਗ ਹੈ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖੈਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤਰੰਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਿਆਰਾ, ਨਿਵਾਜ਼ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਗਨੀਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਖੈਰਾਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਲਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਭੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਤੇ ਜੀ ਜੰਤ ਮਾਨੋ ਤੇਰੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਤੂੰ ਚੱਟੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੜਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭੁਗਤ ਸੁਆਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤਰਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ, ਪਰਪੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸੁਯੁਕਤ ਸੁਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੁਕਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਤਿਰਮੁਕਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ, ਰਜੋ ਸੱਤੋ ਅਤੇ ਤਮੋ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਵਿਭੂਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਪਰਭੁਗਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਭੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦੈਵੰਗ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਸਮਸਤੋਂ ਪਰਾਜ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਬਜ ਸਾਜ ਹੈ। ਸਦੈਵੰਗ ਸਦਾ ਹੀ, ਅਭੇਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੂਪ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਿੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਜ ਹਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਭ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਦੈਵਲ ਆਕਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਲਾਮਤ, ਸਦੈਵਲ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਨਿਰਬਾਧ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਗਾਧ ਅਥਾਹ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਗਾਦ ਰੂਪੇ, ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੈ, ਅਨੰਗੀਏ ਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ। ਔਂਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤ੍ਰਿਕਾਮ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
हे परमात्मा, तू सारे जगत की आत्मा है। तेरी हस्ती सब तो पहलां दी है। तेरी हस्ती का मुढ़ नहीं लभ्या जा सकता। तेरा कोई खास अंग नहीं, कोई शरीर नहीं, तेरा कोई एक नाम भी नहीं। तू तिना भवना आकाश पताल से मात लोक विच जगत का नाश करने वाला है, सब का नाश करने वाला है। तू तिना भवना के जीवन की कामना पूरी करने वाला भी है। तिर बरगं तिर बादे अगंजे अगादे शुभम सब भागे सुसरबा अनुरागे। त्रिवर्ग का आखरी अर्थ है जिस विच जगत के तिने पदार्थ धर्म अर्थ ते काम मौजूद हैं। त्रिवाद जो तिना ही भवना के जीवन के राह विच रोक पा सकता है। अगंज अजित शुभम सोहना ते अनुराग का आखरी अर्थ है प्यार। हे वाहिगुरु, तेरे अंदर जगत के तिने ही पदार्थ धर्म अर्थ ते काम मौजूद हैं। तू तिना ही भवना के जीवन को अपने कुंडे हेठ रखता है। तू अजित है अते अथाह है। हे प्रभु, तेरे सारे ही अंग सोहने हैं। तू सब जीवन को प्यार करना है। तेरे भुगत स्वरूप हैं, अछिज हैं, अछूत हैं, के नरकं पणास हैं, पृथ्वी प्रवास हैं। तेरे भुगत का आखिरी अर्थ है जिसनों तिना लोगों के जीव माणते हैं। अछिज पुराना ना होने वाला, अछूत जो छोया ना जा सके, प्रवास का आखिरी अर्थ है मुसाफिर। हे वाहिगुरु, तेरी हस्ती अजिही है जिस तो तिना ही लोगों के जीव आनंद लै रहे हैं। तेरी हस्ती कदे पुरानी नहीं होंगी ज टुटती भजती नहीं। तैनू कोई छो नहीं सकता। तू नरकों का नाश करने वाला है। धरती उपर तू आप ही जीव रूप मुसाफिर है। तू धरती विच पूर्ण तौर पर वस रहा है। तू सारे ब्रह्मांड विच व्यापक है। निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विमुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है। निरुक्त का आखिरी अर्थ है जिसका बयान ना हो सके, ते विमुक्त का आखिरी अर्थ है चंगी तरह भोगया होया, प्रयुक्त मिलया होया। हे वाहिगुरु, तेरा तेज अजिहा है कि उसका बयान नहीं हो सकता। तू सदा ही कायम है। तेरी हस्ती तो सारे जीव आनंद सुख लेंदे हैं। तो सब जीवों विच रलिया मिलिया होया है। तेरे वर्गा या तेरे जिड्डा होर कोई नहीं है। निरुक्त सदा है, विमुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है। अनुक्त का आखिरी अर्थ है कथन तो बाहर। हे वाहिगुरु, तेरी हस्ती सदा ही बयान तो परे है। सब जीव तेरे प्रकाश तो आनंद माणते हैं। तेरी हस्ती अजे ही है जिसनों बयान नहीं किया जा सकता। तू सपना विच रलिया मिलिया होया है, पर तेरे वर्गा या तेरे जिड्डा होर कोई नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।